हिमाचल चुनाव से ठीक पहले भाजपा की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही, जहां शनिवार को डीएस बनाम ओपीएस के पोस्टरों ने भाजपा की बेचैनी बढ़ाई थी, वहीं रविवार सुबह जिला चंबा के उदयपुर वार्ड से जिला परिषद सदस्य वन्निका चौबियाल ने कांग्रेस प्रत्याशी आशा कुमारी के नेतृत्व क्षमता से प्रभावित होकर विधायिका की मौजूदगी में उनके निवास स्थान जदरी घाट में कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की वजह से लेकर वे बताती है कि डलहौजी की विधायिका और मौजूदा कांग्रेस प्रत्याशी आशा कुमारी के नेतृत्व क्षमता और उनके महिलाओं के प्रति अच्छे व्यवहार को लेकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी से जुड़ने का फैसला किया है। साथ ही साथ वो यह भी कहती है कि इन विधानसभा चुनाव में उनके ससुर भी डलहौजी विधानसभा से चुनावी मैदान में है, लेकिन उनकी गद्दी समुदाय के खिलाफ नीतियों से वे आहत है और वह गद्दी समुदाय के हक को लेकर बहुत सोच समझ कर कांग्रेस के साथ आने का फैसला किया है। सर एक्चुअल में मैम का बिहेवियर बहुत अच्छा है, मतलब कि लड़कियों के प्रति उनका बिहेवियर इतना अच्छा है कि मैंने मतलब कि ये सोच समझ के ही डिसीजन लिया है। एक्चुअल में मेरे इन लॉज भी एमएलए का इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्यों, और वो गद्दी कम्युनिटी के खिलाफ है और मैं अपनी गद्दी कम्युनिटी को छोड़ नहीं सकती हूँ और मैं उनके लिए ही आज मैडम के साथ ज्वाइन हुई हूँ। बस धन्यवाद। परिवार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। वन्निका चौबियाल जी हमारे वार्ड से, जिसमें मेरा अपना घर पड़ता है रुनियानी, इससे ये जिला परिषद की सदस्य हैं, भारी मतों से जीती हैं और निश्चित तौर पे एक पढ़ी लिखी महिला का कांग्रेस पार्टी में आने से बहुत हमें इसका फायदा है और हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जिला परिषद के चुनाव में हम सब यहाँ जितने खड़े हैं, हम सब ने वन्निका चौबियाल जी का समर्थन किया था और अब हमें उम्मीद है कि उनके समर्थन से हमारी पार्टी को और चार चांद लग जाएंगे। जी मैम, पवन टंडन ने भी भाजपा को ज्वाइन किया है हाल ही में, तो उसका कोई इफेक्ट? पवन टंडन जी हमें छोड़ के बड़े देर पहले चले गए थे, हम तो भूल भी गए हैं कि वो थे या नहीं थे। उनको आम आदमी पार्टी में गए, खास आदमी पार्टी में गए, अब वो भारतीय जनता पार्टी में गए, कल वो कहाँ जाएंगे मुझे पता नहीं। और वैसे भी उनका जो वार्ड पड़ता है वो अधिकतर पंचायतें जो है वो भटियात की है। थैंक यू। आपका फैसला के लिए डलहौजी से अश्विनी साहिल की रिपोर्ट।